नमस्कार, आप देख रहे हैं H24। H24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक वैन, स्कूल की वैन गिर गई थी इस नाले के अंदर और एक बड़ा हादसा होते होते बचा। उस वैन का सबसे पहले वीडियो हम लोगों ने ही बनाकर जारी किया था और इससे पहले भी, एक साल पहले भी हमने इसका वीडियो जारी किया था। इससे पहले भी सड़क का और एक न्यूज़ चलाई थी, इसके बाद भी काम नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त एक बारिश के टाइम पे एक वैन गिरी थी, उसके बाद नगर निगम प्रशासन एक्शन में आया और एक्शन में आने के बाद इन्होंने फिर काम अब पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया। हम जहाँ पर सुपरवाइजर हैं, हम उनसे बात करते हैं, ये काम करा रहे हैं। तो भाई साहब, थोड़ा सा इस तरफ चेहरा कर लीजिए आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस कंपनी ये नगर निगम से बन रही है। नगर निगम ठेकेदार कौन? सावर सिद्धि की ठेकेदार है। इसका किस गुणवत्ता में काम किया जा रहा है जो आपको सामने दिख रही है? सामने दिख रहा है लोहा किस एमएम का लगाया जा रहा है? 16 एमएम मेन है, 12 डिफ्यूजन है उसका। मेन 16 है। अच्छा। और 55 की दीवार जा रही है, 55 की ऐसे में 9 मीटर है। हाँ। और ऐसे में चौड़ाई दीवार की 55। अच्छा। यानी पौने 2 फीट में 2 इंची कम। हाँ। ये 3 दीवारें बनेगी, इसके ऊपर स्लिप डलेगी 50। हाँ। और नीचे बेड डला है 600 का जी। पूरा डबल जाल का बन रहा है। हाँ। मजबूत बन रहा है, कोई शिकायत का मौका नहीं है। इसका ठेका कब हुआ था? ठेका तो अभी इसका मालूम नहीं है। अच्छा। मानो हमें तो अरिजेंडी मिली थी अभी एक हफ्ते पहले। हाँ। हमने शनिवार से काम चालू कर दिया था। तो इंजीनियर का दौरा अभी एक हफ्ते में कितनी बार हुआ? नहीं, मालवीय जी एक राउंड जरूर लगता है मालवीय जी का। हाँ। अच्छे से 2 बार आती है। अच्छा। हाँ, सुबह शाम उनका लगता है, दोनों का राउंड देख के जाते हैं बराबर। लागत इसकी कितनी है लगभग? हैं, लागत कितनी है लगभग ये नहीं बता सकते अपन। अच्छा, नहीं, फिर भी पता तो होगा, हम काम कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं बता सकते। समय अवधि क्या है? समय अवधि क्या है, कब तक तैयार ये? अब इसको अभी 15 में कम्प्लीट कर देंगे, 15 दिन में फाइनल। आपका नाम बताएं? बादल सिंह। तो ये बादल सिंह थे, इन्होंने काम ले रखा है इस पुलिया को बनाने का। तो इन्होंने अभी काम शुरू कर दिया, नगर निगम भोपाल की तरफ से ये काम शुरू किया गया है। लेकिन यदि ये काम एक साल पहले अगर शुरू कर दिया गया होता तो एक बड़ा खतरा होने से यहाँ पर बच जाता। एक स्कूल की वैन जो थी वो बच जाती, वो गिरती नहीं, और हो सकता था उसमें बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन लोगों ने, यहाँ पर मौजूद लोगों ने उस वैन को में से बच्चे निकाले और बच्चे निकालने के बाद उन बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया और मशीनें बुलाकर वैन को भी बाहर निकाल लिया। एक बड़ा हादसा टला। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर खबर हमारी मिलती रहे। H24 के लिए इसके मालवी, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर।